करनाल के पंडित चिरंजीव लाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में 41वीं एथलेटिक मीट का शुभारंभ हुआ, जिसमें कॉलेज के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपने जौहर दिखाए। इस मौके पर छात्रों द्वारा लंबी दौड़, ऊंची कूद, भाला फेंकना आदि खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रेखा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के खेलों के आयोजन से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि जो खिलाड़ी खेलों में अव्वल आते हैं आमतौर पर वह शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की बेहतरीन योजनाएं चला रही हैं, जिसके अंतर्गत हरियाणा पर सभी सरकारी कॉलेजों को प्लेग्राउंड मेंटेन करने के लिए विशेष प्रकार की ग्रांट मुहैया करवाई जाती है एवं प्लेग्राउंड को साफ सुथरा और आधुनिक बनाने के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों का विशेष योगदान रहता है, जिसमें ज्यादातर एनसीसी व एनएसएस से जुड़े छात्र श्रमदान कर प्लेग्राउंड की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को कॉलेजों में ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए उनका प्रयास रहता है कि जो भी खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में अव्वल प्रदर्शन कर चुके हैं एवं राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज में बुलाया जाता है, जो अपने संबोधन में अपनी उपलब्धियों को साझा करते हुए छात्रों को खेलों के प्रति जागरूक करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। करवाई जा रही है, क्या उद्देश्य है, कितने दिन चलेगी, कौन कौन लोग इसमें आए? हमारे महाविद्यालय में ये 41वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है जो हर साल करवाई जाती है। जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं हरियाणा में, सभी के अंदर खेलकूद के लिए ग्रांट आती है और उसमें विद्यार्थियों के लिए खेल का सामान मंगवाया जाता है। उसके साथ साथ खेलकूद जो प्रतियोगिता है वो भी की जाती है। इस साल हमने दो जो प्लेयर्स हैं उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया हुआ है, जिसमें से जो ओपनिंग सेरेमनी जो हमारी आज हुई है उसमें सुंदर सिंह को, जो कि मधुबन में DSP हैं, उनको बुलाया हुआ है। वो कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने डिफरेंट स्तर पर गोल्ड मेडल जो है हासिल किए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत डाउन टू अर्थ हैं बच्चों को, वो अपने अनुभव बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने बहुत संघर्ष करके और लगातार मेहनत करके ये जो मुकाम है हासिल किया। प्राचार्य के नाते मुझे ये लगता है कि हमें उन मुख्य अतिथियों को बुलाना चाहिए जिस संदर्भ में कोई फंक्शन किया जा रहा है। जैसे खेलकूद है तो मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स हैं राष्ट्रीय स्तर के उनको बुलाना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी उनको प्रोत्साहन मिलता है और उन्हें यह भी आभास होता है कि खेलकूद को भी हम अपने रोजगार से जोड़ सकते हैं। कल हमारे महाविद्यालय में ऋतु दैया है जो हॉर्स राइडिंग की इंटरनेशनल प्लेयर है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि BSCIT उसने इसी महाविद्यालय से की है, उसने भी इंटरनेशनल स्तर पर कई प्रकार के जो अवार्ड हैं वो हासिल किए हैं और कल वो मुख्य अतिथि के तौर पर जो हमारा क्लोजिंग प्रोग्राम है स्पोर्ट्स का, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उसके अंदर हमने उनको आमंत्रित किया है। हालांकि हम बच्चों को मोमेंटो नहीं दे सकते हैं, प्राइज मनी आती है जो उनके सीधे अकाउंट में जाती है, पर बच्चों में बहुत उत्साह है। देखते देखते काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। पिछले कुछ सालों में खेल कूद में उतना उत्साह नहीं था जितना कि अब दोबारा से होना शुरू हो गया है। ये भारत सरकार की और विशेष तौर पर हरियाणा सरकार की ये योजना है कि राजकीय महाविद्यालयों में जहाँ जहाँ ग्राउंड हैं वहाँ उनकी प्रॉपर देखभाल हो और जो विद्यार्थी अधिक से अधिक उन ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकें। अभी रिसेंटली हमारे पास ये निर्देश आए हैं कि हर महाविद्यालय के अंदर जो प्लेग्राउंड है वो बच्चे ही उसको मेंटेन करेंगे, उसका शेड्यूल भी आया हुआ है। उन्होंने इसको श्रम सेवा के साथ जोड़ा हुआ है, इसमें NSS और NCC के विद्यार्थी ग्राउंड को और साथ साथ जो कैंपस है उसके ब्यूटिफिकेशन में अपना जो श्रम दान है वो देंगे। बहुत एक अच्छा विजन है, इसके लिए मैं अपना जो उच्चतर शिक्षा विभाग है उसको बधाई भी देती हूँ।